साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है और अगर आपको इस सेल में 15,000 के प्राइस में एक पावरफुल ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्मार्टफोन डील्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बढ़िया होंगी। इन स्मार्टफोन में आपको 12GB की रैम, 256GB का स्टोरेज, OIS वाला अच्छा सा कैमरा, 120Hz की एमोलेड डिस्प्ले और 6000mAh की बड़ी सी बैटरी मिलेगी। तो चलिए अब इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले जो नंबर 5 पर स्मार्टफोन आता है उसका नाम है Realme 11X 5G। इसमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले लगी है और 120Hz का रिफ्रेश रेट है, तो स्मूथनेस यहाँ पर आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। मुझे इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी नॉर्मल लगी, इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। MediaTek Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर इसमें लगा है और इसी स्मार्टफोन से आप लोग BGMI को 40fps पर खेल सकते हो। अगर आप जायरो के साथ गेमिंग करना पसंद करते हो तो आपको गेमिंग में डिले इशू फेस करना पड़ेगा, बाकी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की नॉर्मल लेवल की है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड मिलेगा और यहाँ पर आपको 2 एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे। अब बात कैमरा की करें तो 64 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। फोटोज में डिटेल्स थोड़ी कम आती है एंड वीडियो स्टेबल नहीं आती, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ एंड मुझे इसका कैमरा नॉर्मल लेवल का लगा। 5000mAh की बैटरी है और बॉक्स में आपको 33W का चार्जर मिल जाएगा। बात करें प्राइस की तो इसके 6128 के लिए आपको फ्लिपकार्ट पर 14999 पे करने पड़ेंगे। चलिएगा इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन आता है उसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 35G। बड़ी डिस्प्ले इसमें भी लगी है जो कि है 6.7 इंच की, एनर्जी ग्लास की प्रोटेक्शन है एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट है। स्मूथनेस यहाँ पर आपको अच्छी मिलेगी और डिस्प्ले बड़ी है तो वीडियोस वगैरह देखने में आपको काफी मजा आएगा। डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर इसमें लगा है और ये फोन टोटल 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन से आप लोग लो टू मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग आराम से कर पाओगे। नॉर्मल लेवल की गेमिंग में यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बढ़िया बात, 45W का चार्जर बॉक्स में आता है जो 5000mAh की बैटरी को 0-75% 30 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा। इसमें JBL ट्यून स्पीकर लगे हैं जिनकी साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त है और यहाँ पर आप 2 सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। कहने को 3 कैमरा है बट एक ही कैमरा काम का है और वो है 108MP का। सेल्फी 16MP की है एंड डे लाइट में इसके दोनों कैमरे अच्छा परफॉर्म करते हैं। डे लाइट में आप लोग इसके कैमरे से ठीक ठाक फोटोज क्लिक कर पाओगे। इस फोन का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको 8GB की रैम और 256GB का स्टोरेज मिलता है एंड इसके 8/128 के लिए आपको 14,500 रुपए देने पड़ेंगे एंड इस प्राइस में मेरी तरफ से ये स्मार्टफोन फुल्ली रिकमेंडेड है। सो फाइनली गाइस, अब बचे टॉप 3 स्मार्टफोन एंड इस सेल में 15,000 के प्राइस में इन 3 फोन से तगड़े स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेंगे एंड इस टॉप 3 स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 12 5G। 120Hz की एमोलेड डिस्प्ले इसमें लगी है एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नोच है। ब्राइटनेस भी 1200 nits की है तो आउटडोर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का चिपसेट इसमें लगा है और ये चिपसेट गेमर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना, सिर्फ नॉर्मल यूजेस के लिए ये फोन ठीक होगा। एंड्रॉइड 12 इसमें आता है और सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंटेड मिलेगा। इसमें आप एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। बॉक्स में 33W का चार्जर मिलेगा और बैटरी है पूरे 5000mAh की। अब कैमरा की बात करें तो 48MP का ट्रिपल कैमरा है एंड 13MP की सेल्फी है। जहां पर इसके कैमरे को प्रॉपर लाइट मिलेगी वहां पर इसका कैमरा अच्छा परफॉर्म करेगा एंड लो लाइट में इसका कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करता है। बात करें प्राइस की तो इसके 4128 के लिए आपको अमेजोन सेल में पूरे 14,000 रुपए देने पड़ेंगे। मुझे पता है यार, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रेडमी और पोको का फोन लेना पसंद नहीं करेंगे, तो आपके लिए टॉप 2 स्मार्टफोन है। इन दोनों में से किसी भी एक फोन को आप लोग आंख बंद करके परचेज कर सकते हो। इन दोनों में से मेरा फेवरेट कौन सा स्मार्टफोन है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नंबर 2 पर जो स्मार्टफोन आता है उसका नाम है मोटो G54 5G। इस फोन को कोई भी यूजर आंख बंद करके परचेज कर सकता है। ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है इस प्राइस पॉइंट का। इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले लगी है एंड इसकी डिस्प्ले में 120Hz का रिफ्रेश रेट और पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्त है। डायमेंसिटी 7020 का 6nm वाला प्रोसेसर इसमें लगा है
और ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 से बेटर है। यहाँ पर आप लोग मीडियम लेवल की गेमिंग आराम से कर पाओगे। 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा मोटो ने इसमें दिया है और चार्जर है 33 वोल्ट का। बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको जबरदस्त मिलेगा। सबसे बढ़िया बात, इस फोन में आपको क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा और इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड मिलेगा। अब बात करें इसके प्यारे से कैमरा की, तो इसके बैक में दो कैमरे हैं। पहला कैमरा है 50 MP का जिसमें OIS है और सेकंड कैमरा है 8 MP का। इसकी सेल्फी है 16 MP की एंड इसके दोनों कैमरों से आप लोग डे लाइट में काफी अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर पाओगे। लो लाइट में जहां पर इसके कैमरे को लाइट मिलेगी वहां पर इसका कैमरा अच्छा परफॉर्म करेगा। बात प्राइस की करें जो कि इस फोन का काफी इंटरेस्टिंग है, इसके 8128 के लिए आपको 13999 पे करने पड़ेंगे एंड 12256 के लिए आपको बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद पूरे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो बात सिंपल है, अगर आपको 12 GB की रैम वाला फोन लेना है तो ये एकलौता ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे टॉप नोच स्मार्टफोन की, तो नंबर 1 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। ये मेरा सबसे फेवरेट स्मार्टफोन है। इसमें 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। नोच वाली डिस्प्ले है जो देखने में अच्छी नहीं लगती बट इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल टॉप नोच है। सैमसंग एक्सनोस 1280 का 5nm वाला प्रोसेसर इसमें आता है और ये फोन टोटल 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप लोग मीडियम सेटिंग्स की गेमिंग कर पाओगे और नॉर्मल यूजेज में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी एंड ये फोन गेमर्स को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करता, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सबसे बढ़िया बात, इसमें आपको 4 Android अपडेट मिलेंगे एंड इस प्राइस में 4 Android अपडेट आपको बाकी कोई भी दूसरी ब्रांड नहीं देगी। 3.5mm का जैक है और एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर आपको 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा मिलेगा लेकिन यार बॉक्स में चार्जर नहीं आता। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसमें 50 MP का OIS वाला ट्रिपल कैमरा है और 13 MP की सेल्फी है। इसके बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे एंड मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ इस प्राइस में इसकी टक्कर का कैमरा आपको अभी के टाइम पर किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। अब बात प्राइस की करें तो इसके 6128 के लिए आपको Amazon पर बैंक डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद पूरे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई ये हैं 5 स्मार्टफोन जिनको आप सेल में 15,000 के बजट में परचेज कर सकते हो। मुझे टॉप 2 स्मार्टफोन सबसे तगड़े लगे, आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।